माय YouTube चैनल मिस्टर गॉड। सो गाइस, इस वीडियो में आपको लेह लद्दाख का बाइक ट्रिप के बारे में जानकारी दूंगा। लेह तक बाइक से जाना आसान नहीं है क्योंकि ये दुनिया के सबसे मुश्किल रोड ट्रिप्स में से एक है, लेकिन इस दौरान रास्ते में दिखने वाली खूबसूरती हमेशा के लिए आपको यादों में से बने रहेगी। लेकिन बाइक से लेह ट्रिप पर जाने से पहले इन जरूरी बातों को ध्यान रखें। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है लेह लद्दाख। अगर आपको एडवेंचर पसंद है और आपने बाइक से देश भर में कई जगहों पर घूम सके हो तो एक बार बाइक ट्रिप में लेह लद्दाख भी जाए। हालांकि लेह तक बाइक से जाना आसान नहीं है क्योंकि यह दुनिया के सबसे मुश्किल रोड ट्रिप में से एक है, लेकिन इस दौरान रास्ते में दिखने वाली खूबसूरती हमेशा के लिए आपको यादों में बस जाएगी। लेकिन बाइक से लेह ट्रिप पर जाने से पहले इन जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें। सो गाइस, इन बातों का ध्यान रखकर लेह लद्दाख बाइक ट्रिप को सेफ बनाएं। ट्रिप पर जाने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें ताकि आपको बाइक ट्रेवल के दौरान वहां के रूट्स, खाने पीने की जगह, ठहरने की जगह और दूसरे बेसिक चीजों की जानकारी हो। अपनी फिजिकल कंडीशन और सेहत से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर ले लेह लद्दाख के पहाड़ों पर बाइक चलाकर जाने से पहले। यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से फिट होना जरूरी है। आप जिस रास्ते से लेह जाना चाहते हैं उसका प्लान पहले से बना ले। वैसे तो ज्यादातर ट्रेवलर्स मनाली के रास्ते से लेह जाना पसंद करते हैं। मनाली हाईवे से लेह जाने में 2 दिन का वक्त लगता है। वापसी का सफर भी इसी हाईवे के जरिए पूरा किया जाता है। आमतौर पर बाइक ट्रिप से लेह लद्दाख जाने में 12 से 15 दिन का वक्त लगता है। यात्रा शुरू करने से पहले लेह के और रास्ते में पड़ने वाली जगहों के मौसम की भी जानकारी हासिल कर ले। लेह मनाली रूट समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई पर है, जो लेह का मौसम बेहद ठंडा होता है और कभी कभी तापमान -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई पर आपको ऑक्सीजन लेवल कम होने पर मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, लिहाजा इन बातों के लिए तैयार रहे। बाइक ट्रिप पर निकलने से पहले ढंग के कपड़े और एक्सरसाइज अपने साथ रखे ताकि रास्ते में या फिर लेह पहुंचने के बाद आपको ठंड न लगे। बाइक राइड के दौरान जरूरत पड़ने वाली सभी चीजें जैसे राइडिंग गियर, जैकेट, ग्लव, हेलमेट, नी गार्ड, रेन कवर, रेन क्लोथ्स, एक्स्ट्रा जूते को साथ रखना ना भूलें। क्योंकि आप बाइक ट्रिप से जा रहे हैं लिहाजा आपकी बाइक का भी अच्छे कंडीशन में होना जरूरी है। सो गाइस, ये थी जानकारी आपको लद्दाख जाने के लिए बाइक ट्रिप के लिए। जो आप अगर आप ये सावधानी बरतिएगा तो आप आसानी से लद्दाख का सफर तय कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इतना था इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। सो लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।